हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट दो क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किए थे, है ना। तो ए डॉट बी मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सारा पॉइंट मैंने नोट आउट कर लिया था। तो और कोई टफ पार्ट नहीं है, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो आई होप डॉट प्रोडक्ट तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर and b vector. Let's find angle between a vector and b vector. If first two cases are there. If mod a बराबर 5, mod b बराबर 7, mod c बराबर 8. Second, देखते हैं। Mod a बराबर 5, mod b बराबर 7, mod c बराबर 2. ठीक है? एक केस है, और दूसरा केस है mod a बराबर 5. mod b बराबर 6 and mod c बराबर 7, ये ठीक है। तो सॉल्यूशन ठीक है, देखो तुम्हें a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल मतलब a डॉट b आना चाहिए, है ना। a डॉट b कैसे आएगा, यदि सिर्फ a प्लस b कहीं पे है तो तभी आएगा a डॉट b। मतलब कहने का मतलब क्या है कि a वेक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर बराबर क्या है, नल वैक्टर। तो इसको मैं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर बराबर माइनस टाइम सी वैक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो क्या होगा, ए वैक्टर का स्क्वायर प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी बराबर सी वैक्टर। मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग करने से पहले ही ये बोला कि तुम्हें a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो तुम ये सोचो हाउ कैन यू जनरेट a डॉट b, ठीक है। a डॉट b कैसे जनरेट कर सकते हो, तो वो कैसे जनरेट होगा, यदि a प्लस b एक तरफ है बाकी तो सब कुछ एक तरफ है ना, तो इसके स्क्वायर में a डॉट b जनरेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, a प्लस b बराबर माइनस c और स्क्वायर कर दिया, आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर c स्क्वायर। A का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये हो जाएगा 25, B का मैग्नीट्यूड 7, तो ये हो जाएगा 49, प्लस 2 mod A mod B cos theta बराबर C स्क्वायर कितना है 2, तो थीटा क्या है A और B के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा 4 to 6 74 प्लस 2 mod A कितना है 5, mod B कितना है 7 और cos theta निकालना है व्हिच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये उधर गया तो कितना आ जाएगा 75 से 35 70 cos थीटा बराबर, ये उधर गया तो -70, यहां से आ गया cos थीटा बराबर -70/70 व्हिच इज इक्वल्स टू -1, cos थीटा बराबर क्या आ गया -1, मतलब थीटा कितना 180। देखो जब भी थीटा एंड का आंसर देंगे वो 0 से 180 के बीच में होगा, है ना। मैंने पहले ही बोला था दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में होता है, तो उसी के बीच में तुम्हें आंसर सोचना है। तो cos थीटा माइनस 1 मतलब थीटा कितना 180 डिग्री, और या पाई 180 का मतलब पाई। तो आगे ये तो निकालना था a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल, तो पहले केस में कितना आ गया पाई, ठीक है। सेम सेकंड केस का निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा यहीं पे मेरे को ये बोलता कि a और b के बीच का एंगल नहीं, b और c के बीच का एंगल निकाल, ठीक है। b और c बोलता तो मैं क्या करता, b और c को एक तरफ, a को दूसरे तरफ, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, यदि a और c के बीच के बोलता तो b को दूसरे तरफ, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो a पार्ट था, अब b पार्ट। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मैं यहीं पे बी पार्ट सॉल्व करूंगा। सेम इसी तरीके से सेम ये रिलेशन आएगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, ये 5 है अब ये 6 है, तो
ये कितना हो जाएगा बेसिकली 49 की जगह 36, 2 और C के जगह 49, ठीक है, तो ये 49 है, ये 61 हो जाएगा इस पर, और ये 2 5 into 6, यहां 6 कर, ठीक है, मैं इसी में चेंज कर दिया हूं, तुम इसको फिर से नोट डाउन कर लो, तो ये हो जाएगा 61 उधर जाएगा, तो 49 51 61, तो माइनस 2 है, और ये हो जाएगा 65 32 60, ये हो जाएगा 60 cos थीटा बराबर माइनस 2 है, ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 60, विच इज इक्वल टू माइनस 1/5, विच इज इक्वल टू माइनस 1/5, तो cos थीटा आ गया बेसिकली क्या माइनस 1/5, और cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/5 कब होती है ये हमें नहीं पता, तो हम यहां से क्या लिख देंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस 1/5, हो गया हमारा आंसर इस तरीके से, जब एंगल नहीं पता है, जब cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/5 नहीं पता हमें कब होता है, टेबल तो हम पूरा याद नहीं कर सकते कि हर एक एंगल की वैल्यू याद करो, तो ये संभव नहीं है, इसलिए थीटा बराबर क्या लिखते हैं cos इनवर्स माइनस 1/5, ठीक है, बस यही छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये सेकंड केस में कितना आंसर आ गया cos इनवर्स माइनस 1/5, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, एंगल तो निकल गया, उसमें तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगा है, निकल गया, बट पहले वाले केस में आंसर क्या आया है, पाई, है ना, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, ए वेक्टर यदि ऐसे है तो बी वेक्टर ऐसे, ये यदि ए वेक्टर है तो बी वेक्टर ऐसा, तभी तो एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई होगा, ठीक है, तो ए वेक्टर ये है, सी वेक्टर इसी में जोड़ दो, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिलके बी वेक्टर होगा, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल पाई है, तो मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर होगा या कोलिनियर वेक्टर होगा, है ना, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा होगा, ये दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बारे में, है ना, कैसे वेक्टर है ये दोनों, पैरेलल वेक्टर, है ना, अब खुद सोचो यदि दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल है और a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो क्या इससे ट्रायंगल बन पाएगा, कहने का मतलब क्या है, पहले वाले केस में मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, तो यदि दो वेक्टर पैरेलल है और a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो क्या कभी ट्रायंगल बन सकता है, तो दो वेक्टर तो नहीं आ गए एक ही साइड में, तो तीसरा साइड ये कैसे बनेगा, ए बी सी खत्म, बी वेक्टर थोड़ी मुझे प्रोड्यूस करना है, तो यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई और ये रिलेशन है, मतलब ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे बेसिकली कोलिनियर, यहां पे ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, और यहां पे कुछ एंगल आया है जो कि जीरो और पाई के अलावा है, तो यहां पे ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें लिखवाया था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो देन आइदर ए बी सी फॉर्म ए ट्रायंगल और ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, ये दो केस मैंने लिखवाया, देखो ये दोनों केस यहां पे आ गए, ठीक है, समझ में आ गई बात, कोलिनियर वाला केस हम डायरेक्ट देख सकते हैं ऐसे, कैसे कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, यदि वो तीसरे के बराबर है तो वो कोलिनियर होगा, ठीक है, जैसे ए वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बेसिकली माइनस टाइम बी वेक्टर कह सकते हो, है ना, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ये ए वेक्टर ये सी वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ऐसा हो,
का मैग्नीट्यूड
मैं बोला था तुमको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए प्लस बी के साथ और ये पूरा रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर से 121, बी स्क्वायर 529 और 2 इंटू 11 इंटू 23 इंटू ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो कॉस थीटा। बस सारा कुछ पता है ना मतलब, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। कॉस थीटा क्या है, माइनस 250 अपॉन 506। तो इसके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फिर से हो जाएगा 650, ठीक है। ये हो जाएगा 506 इंटू कॉस थीटा है माइनस 250 अपॉन 506, ठीक है। मिटा दे इसको, तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 650 माइनस 250 आई थिंक 400 है ना। ये किसका मैग्नीट्यूड आया है, तो ये आया है मॉड ए प्लस बी वेक्टर, तो मॉड ए प्लस यही निकालना ही है मुझे, मैं पहले ही लिख लेता हूं, तो 400 कर दूं कितना हो जाएगा 20, ये हमेशा पॉजिटिव होगा इसलिए प्लस 20, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप, ठीक है। लेट ए वेक्टर रहा दिस एंड बी वेक्टर रहा दिस, देन फाइंड एंगल बिटवीन, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्वेश्चन है देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो तुमको पता है कि a डॉट b क्या होता है, तो a डॉट b होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। तो यहां से cos थीटा बराबर तुम क्या लिख सकते हो, a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस cos को उधर ले जाओ तो इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड a, ठीक है। थीटा बराबर cos इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, ठीक है। बस तो a डॉट b हम निकाल सकते हैं, मॉड a निकाल सकते हैं, मॉड b निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं पहले। तो a वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। b वेक्टर बराबर क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो a डॉट b, तो मैंने तुमको बोला था कि a डॉट b में i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो i का कंपोनेंट कोफिशिएंट क्या है, 1, यहां पे 3, तो 1 into 3 प्लस 2 और यहां पे कितना है माइनस 2, तो 2 into माइनस 2 प्लस यहां पे माइनस 4 into 7, तो माइनस 4 into 7, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 28, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस 32 और 3 गया तो माइनस 29, ठीक है। तो ये तो आ गया a डॉट b मतलब ये, अभी मॉड a निकालना है मॉड b निकालना है, मतलब a और b का मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 4 4 जा 16, है ना। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडर रूट 21। ठीक है, नोट कर लो इतना। ठीक है, तो मैं वो सारा इंफॉर्मेशन को यहां पे लिख लेता हूं। तो थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना है -29, मॉड ए कितना है अंडर रूट 21 और मॉड बी निकाल लेते हैं उसको यहां पे। ठीक है, तो इसको मिटा दें, तो मॉड बी कितना होगा, तो मॉड बी हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, which is equal to 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, एंड which is equal to ऐड कर दो तो क्या होगा 9 प्लस 4 31, है ना, 9 प्लस 4 13 52 62। ठीक है, क्या तो यहां पे कितना आ जाएगा अंडर रूट 60। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो आंसर हो जाएगा, फिर हमको इसका वैल्यू तो नहीं पता है तो हम इतने पर ही छोड़ दें। ठीक है, तो क्या हो गया फाइनल आंसर, थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स -29 अपॉन ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 62 इंटू 21 42 और 130। ठीक है, इस 136 तो ये आ गया 1300, तो रूट के अंदर 1300 ये हो गया आंसर। ठीक है, एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का तो हम हमेशा इस तरीके का निकालेंगे, cos थीटा बराबर cos इनवर्स a डॉट b अपॉन mod a mod b वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री फोर इनिशियल वेक्टर। वो इनिशियल वेक्टर क्या होता है, वैसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें इसका डिफिनेशन लिखा है को इनिशियल वेक्टर्स। तो लेट ए बी एंड सी आर थ्री को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, लेट ए बी एंड सी आर थ्री को इनिशियल वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with each other। इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, मतलब a डॉट b के a और b के बीच का एंगल 60, b और c के बीच का एंगल 60 एंड a और c के बीच का एंगल 60। लेट a b and c आर थ्री फोर इनिशियल वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर एंड यूजिंग दिस थ्री वेक्टर्स एंड यूजिंग दिस three vectors a parallelogram is being formed
parallel pipe is being formed and mod A बराबर mod B बराबर mod C बराबर 6 and using these three factors a parallel pipe is being formed and mod A बराबर mod B बराबर mod C बराबर 6 then find first part length of face diagram, second length of main diagram, C part length of face diagram, length of main diagram, distance between centers of opposite faces, distance between centers of opposite faces, okay, fourth distance between centers of opposite faces, okay, fourth angle between main diagram and face diagram passing through same vertex. Angle between main diagram and face diagram passing through same vertex. Angle between main diagram and face diagram passing through same vertex. Okay. And last part is the angle between main diagonal and side passing through same vertex. Angle between main diagonal E part. Angle between main diagonal and side 8. Angle between main diagonal and side passing through same vertex. Note करो भी मैं सारा कुछ clear हो जाएगा. Angle between main diagonal and side passing through same vertex. ठीक है, तो एंगल बिटवीन ये पांच पार्ट है. ठीक है, ये क्वेश्चन सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, वो इनिशियल वेक्टर है, सारे के बीच का एंगल 60 डिग्री है और एक पैरेलल पार्ट बनाया गया है. ठीक है, फेस डायगनल मेन डायगनल इसका लेंथ निकालते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो नोट कर लो रेगुलर पैरेलल पाइप है, मतलब सारे साइड बेसिकली इक्वल. ठीक है ना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी,
दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। ठीक है, ये मान लो ऑरिजिन है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं ना, इसको ओ ही बोल दो और इसको ए बोल दो। ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा और इसको सी वेक्टर मतलब ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ये फिगर। ठीक है, ओ ए बी सी ऐसे कर लो और ई एफ जी एच। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ, या पहले लेंथ निकालने से पहले जो एक दो पॉइंट मैं लिख सकता हूं, क्या क्या गिवन है तुमको, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर 6। ठीक है, और ए डॉट बी यदि निकाले तो कितना होगा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है कॉस 60 है ना, विच इज बेसिकली 6 × 6 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 80। तो ए डॉट बी भी यही होगा विच इज इक्वल टू बी डॉट सी एंड विच इज इक्वल टू सी डॉट ए एंड विच इज इक्वल टू बेसिकली कितना 80। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया तुमसे, लेंथ ऑफ मेन लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ मेन लाइन, तो मेन डायगोनल है क्या, है ना, तो कोई भी मेन डायगोनल ले लो सबका लेंथ बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ओ ए बी सी, तो इस ओ को उस जी से मिला, तो ये ओ बेसिकली इस जी से मिलेगा। ठीक है, तो जो मेन डायगनल है वो से ओजी वेक्टर, तो वो होगा क्या ओजी वेक्टर, देखो ये ए वेक्टर, ये क्या है इसके अलावा बी वेक्टर है ना, और इसके अलावा सी वेक्टर। तो कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि ओजी वेक्टर क्या होगा, यहां से यहां है तो ए वेक्टर है ना, तो ओजी वेक्टर होगा बेसिकली ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस सी जी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ओजी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और लेंथ ऑफ मेन डायगनल क्या होगा ओजी वेक्टर का लेंथ। ठीक है, ये तो मेन डायगनल वाला वेक्टर कौन सा, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मेन डायगनल का लेंथ मिल जाएगा है ना, तो नोट कर लो, तो ए डॉट बी हमेशा 18 है ये याद रखोगे। ठीक है, तो यहां पे ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो फिर से इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर मतलब रूट के अंदर मैं ये लिख सकता हूं, या रूट के अंदर ही ये लिख सकता हूं, या बोलो कोई डाउट, अब काफी वर्ड कर चुके हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, इसको भी डाल रहा है ना, तो ऐसे लिखा जाए इसको, तो ये हो जाएगा और नीचे लिखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो जाएगा है ना, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर 6 है तो 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 2 टाइम, ये तीनों चीज हम निकाल चुके हैं 18 है, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 ये लिख सकते हैं, ये पहले ही निकाल लिए कि यहां पे बार बार हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 36 इंटू सॉरी 36 प्लस 36 प्लस 36 108 प्लस ये 54 इंटू 2 वापस से 108। ठीक है, नोट कर, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 260। ठीक है, तो निकाल दो इसको, तो ओजी वेक्टर आ गया कितना अंडर रूट 260 विच इज बेसिकली इक्वल टू 6√2 है
216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 6 ना, विच इज बेसिकली 6 रूट 6, इतना यूनिट है, ठीक है, तो 6 रूट 6 यूनिट, ठीक है, ये क्या बेसिकली लेंथ ऑफ मेन डायमीटर, विच इज इक्वल टू 6 रूट 6, ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट, है ना, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है यहाँ तक, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मिटा दें इसको, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ फेस डायग्राम, है ना, लेंथ ऑफ फेस डायग्राम, तो फेस डायग्राम क्या है, इस कॉर्नर को कोई मतलब कोई भी फेस पे कोई अपोजिट दो कॉर्नर को मिला तो मतलब इसका उससे, ठीक है, तो लाइक यदि ये ए ओ है तो वो ए बोला मैंने, वो बी बोला मैंने, वो सी बोला, तो बेसिकली ओ सी मैथड, ये होगा फेस डायग्राम, है ना, तो लेंथ ऑफ फेस डायग्राम क्या होगा, बेसिकली ओ सी वेक्टर होगा, है ना, तो ओ सी वेक्टर होगा क्या वो देख लो, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ सी वेक्टर होगा बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू उसी वेक्टर, समझ में आ रही है बात, तुम इस यहां से स्टार्ट किए, एक देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, या तो तुम ये ट्रायंगल का फैक्टराइजेशन लगा दो, या मैंने तुम्हें बोला था क्लोज फिगर वाला वो लगा सकते हो, यहां से स्टार्ट किए वापस से ही, या देखो उसी वेक्टर पे हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, है ना, देखो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं फिर से कि उसी वेक्टर पे O से C पे तुम कैसे कैसे पहुंच सकते हो, एक तो डायरेक्ट O C पे पहुंच गए वही मुझे नहीं था तो इसको O C कर दो, दूसरा यहां से यहां तक फिर यहां से यहां पहुंच गए यहां, तो A के डायरेक्शन में गए और B के डायरेक्शन में, इसलिए आगे E वेक्टर प्लस, ठीक है क्या, तो O C वेक्टर बराबर क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे O C वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब ए प्लस बी, ओसी वेक्टर क्या ए प्लस बी तो इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी, ये हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर कितना है, तो a स्क्वायर 6 है तो 30, a स्क्वायर 6 है तो a स्क्वायर 36, b स्क्वायर 36 और 2 a डॉट b निकाले हैं 18, तो ये 36 प्लस 36 प्लस 36 कितना आ गया 108, इसको हम लिख सकते हैं 36 into 3 which is equals to 6 root 3 इतना, ठीक है, तो क्या आ गया लेंथ ऑफ फेस डायग्राम, लेंथ ऑफ फेस डायग्राम विच इज ओजी वेक्टर, सॉरी ओजी नहीं ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 6 रूट, ठीक है, तो दो पार्ट हो गया, एक लेंथ ऑफ मेन डायग्राम और सेकंड लेंथ ऑफ फेस डायग्राम, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, है ना, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज तुम्हें फिर से बता देना चाहता हूं, देखो कोई भी एक क्लोज फिगर, ठीक है, सी दिस इज ओ दिस इज ए दिस इज बी
दिस इज सी, मान लो इसके अलावा ए वेक्टर है, इसके अलावा बी वेक्टर है, इसके अलावा सी वेक्टर है और इसके अलावा डी वेक्टर। तो तुम्हें पता है यदि मैं इस क्लोज फिगर में यहीं से स्टार्ट करके वापस से यहीं आता है ना, तो रिजल्टेंट नल वेक्टर होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, जहां से गए वहीं पहुंच गए। तो ए के डायरेक्शन में प्लस बी के डायरेक्शन में प्लस सी के डायरेक्शन में प्लस डी के डायरेक्शन में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा, जीरो। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका एक तरीका तो ये मैं पहले बता चुका हूं, एक तरीका और इसमें क्या लिख सकते हो, देखो मान लो तुम्हें ओसी वेक्टर निकालना है ना, तो ओसी वेक्टर बराबर क्या होगा, तुम क्या करो ओ से सी के तरफ जाओ, तो ओसी वेक्टर ये है विच इज इक्वल टू यहां से क्या डी के अपोजिट चलना है, तो माइनस डी वेक्टर लिख सकते हैं। ओसी वेक्टर जो होगा वो मैं ओ से सी के तरफ जा रहा मतलब डी के अपोजिट चल रहा, That will be equal to minus d vector, और ही इसके बराबर। तो O से C के तरफ तुम या तो यहां से जा सकते हो या ऐसे घूम के जा सकते हो, तो चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे किसी तरीके से घूम के जाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं मान लो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो पहले हम ओ ए के अलोंग चले, फिर हम ए बी के अलोंग चले एंड फिर हम लोग बी सी के अलोंग चले। तो OA वेक्टर क्या था, A, AB क्या था, B और ये क्या था, C वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, माइनस डी वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो यदि इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। देखो चाहे ऐसे लिखो तो भी ये आया एक तरीका लिखने का, चाहे ऐसे लिखो दूसरे तरीके से तो भी वही आया, तो चाहे जैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे OG वेक्टर लिखे थे, कैसे लिखे थे, एक तो O से G ऐसे गए और एक डायरेक्ट OG वेक्टर डायरेक्ट से निकलेगा और जिस जैसे जैसे गए हो वो उसके बराबर हो बस। तो ये काम हम बेसिकली यहाँ पे किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सब पैरेलल है, ये भी वेक्टर तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सी है तो ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। ठीक है, इस तरीके से हम सारे वेक्टर्स कहीं से कहीं भी जाना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। तो यहां पे अभी हमने दो पार्ट सॉल्व किया ए एंड बी। ठीक है, जो सी डी की पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जिससे तुम एक बार उसको सोच सको। ठीक है ना, तो होमवर्क मान सकते हो कि सी डी की पार्ट तुम्हें सोचना है खुद से, नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।